नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी सी वोटर सर्वे लगातार जारी है और इसी बीच में ये हर हफ्ते या 10 दिन के अंदर सर्वे कराया जा रहा है। और इस सर्वे में यहां सबसे खास बात यह है कि अब भी बीजेपी यूं तो स्ट्रांग बनी हुई है और 47% लोग अब भी ये मानते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस बीच एक खास बात यह है कि 6 से 16 दिसंबर तक आते आते इसी ओपिनियन पोल में ये बात सामने आती है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो 27% था वही अब 29% हो चुका है। यानी कि 29% लोग ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार समाजवादी पार्टी की बनने वाली है। इसी तरीके से पहले 7% लोग ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ भी यहां पर बढ़ा है, 1% में इजाफा हुआ है। और 8% लोग ये मान रहे हैं कि जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी तेजी के साथ में जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे अब फिलहाल में हो रहे हैं। एक और खास बात आपको बता दी कि यहाँ पर देखिए जो 80 वोटर सर्वे जारी है, इसी में 6 दिसंबर की जब तारीख थी, 6 दिसंबर में अब भी जब लोगों से पूछा गया कि आप किसकी सरकार मानते हैं कि इस बार बनने वाली है, तो लोगों ने माना कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। यानी कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भाजपा फिर से अपनी सत्ता को दोहराने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ग्राफ में भी इजाफा हो रहा है। जैसा हमने जिक्र किया कि पहले लोग 49% ऐसी जनता थी जो ये मानकर चल रही थी कि आने वाले दिनों में इजाफा होगा और फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ 16 दिसंबर को जब दोबारा से सर्वे कराया जाता है तो इसी सर्वे के दौरान में यहां जो फीसद है वो बढ़ जाता है समाजवादी पार्टी का और ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर यह माना जा रहा है कि जो ग्राफ में इजाफा हो रहा है समाजवादी पार्टी के, उसके पीछे की वजह है अखिलेश यादव का विजयरथ। ये विजयरथ लगातार चल रहा है और इसी विजयरथ के जरिए माना यह गया है समाजवादी पार्टी की ओर से भी कि ये एक टोटका है समाजवादी पार्टी का कि जब जब विजय रथ लेकर निकलते हैं तब तब समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो या फिर इससे पहले 2012 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव रहे हो, जब जब विजय रथ निकाला तब तब सत्ता हासिल समाजवादी पार्टी को हुई है। तो समाजवादी पार्टी को फिर से ये लग रहा है कि इस बार सत्ता उनके हाथ में होगी और ग्राफ में इजाफा हो रहा है जो कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है अखिलेश यादव के। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कितनी जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और हाल ही में चाचा के साथ में भी गठबंधन हो चुका है। तो देखिए, अगर इसी ओपिनियन पोल की बात करते हैं तो इस ओपिनियन पोल में जो ग्राफ में इजाफा हो रहा है ये कह लीजिए कि संजीवनी के तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा है। क्योंकि संजीवनी, इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया के जो हमले वो और ज्यादा तीखे और तेज तरार हो जा रहे हैं जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि अब भी बीजेपी लगातार स्ट्रांग बनी हुई है और बीजेपी के तमाम दिग्गज भी डेरा डाले बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर खुद अमित शाह, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, जिनको रणनीतिकार कहा जाता है बीजेपी का, वो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां पूरा फोकस है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर किया जा रहा है। क्योंकि ये कहा जाता है कि देश की राजनीति लखनऊ से होकर ही चलती है। यानी कि जिसको सत्ता पर काबिज होना है देश की राजनीति में, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश भी रहता है। तो इस बात को बीजेपी बखूबी समझ रही है। लेकिन ओपिनियन पोल्स जो अभी लगातार आ रहे हैं, जो सर्वे चल रहा है, उसमें फिर भी ये इजाफा धीरे धीरे हो रहा है। पर अभी तक ये मानकर चला जा रहा है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को इससे संजीवनी मिल रही है। अब क्योंकि चाचा भी साथ में आ चुके हैं और इसी का इंतजार उनके समर्थक कर रहे थे, क्योंकि इससे भी ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि इससे भी नुकसान होने की गुंजाइश थी, उस नुकसान को फिलहाल रोक लिया है अखिलेश यादव ने। अब जो नेक्स्ट सर्वे आने वाला है उसमें भी देखना होगा कि और कितना इजाफा इन छोटे छोटे एलिमेंट्स के एड होने के बाद होने वाला है।